एक बार में एक सवाल करें जिससे सबको मौका मिले। आपके समय में क्या बात है, बहुत अच्छा सवाल है आपका और बिल्कुल मुझसे भी आपने मेरे ध्यान में नहीं किया बात। इनका सवाल ये है कि जब नबी ने कहा कि कम से कम 7 दिन में कुरान पूरा करो, तो जो लोग एक दिन में जो क्या शबीला कहलाता है और जो 3 दिन में कुरान खत्म करते हैं वो किस कमरे में आएंगे, वो मैंने बता दिया आपको। जो नबी की नहीं मानता और नबी की नहीं है, वो कितने बड़े पीर बनते रहे अपने आप को, कितने बड़े फकीर बनते रहे अपने आप को, कितने बड़े बुजुर्ग बने या कितने बड़े, अब ये समझे कि हम बड़े जानने वाले हैं, बड़े दीनदार, बड़े मुत्तकी परहेज़गार हैं, रसूलल्लाह की कैसे नहीं है। इनका सवाल ये क्या छुपकर दूसरी शादी करना ठीक है? देखो जी, बीवी की इजाज़त की जरूरत तो नहीं है दूसरी शादी में, लेकिन छुप के शादी करना ठीक नहीं है, क्योंकि नबी ने फरमाया कि निकाह का आम ऐलान करो। अगर ऐलान नहीं हुआ और आपने चंद लोगों के बीच में अपने दोस्तों के बीच में हिजाब कबूल कर लिया, हराम कर लिया मेरे दोस्त उस अजीज की होती है। आपको बीवी की इजाज़त की जरूरत है, लेकिन अल्लाह और रसूल की इजाज़त है आप, तो इसमें छुपाने की तो बात ही खत्म हो गई। बड़ा अच्छा सवाल है भाई इनका कि हम जो नेकियां करते हैं वो हमने ग्रुप बना रखा है उसमें नेकी को डालते रहते हैं, ये रियाकारी में तो नहीं आता? बिल्कुल रियाकारी में आएगा भाई, लेकिन इंटेंशन के हिसाब से फैसला होगा। अगर आपकी नीयत ये है, क्योंकि बहुत से कुरान की आयत ये है कि सदका छुपा के भी दो और खुले हाथों में दो, नुमाइश करके भी दो, उसमें यही बुजुर्गों ने लिखा है कि अगर दूसरों को तल्कीन दिलाने के लिए आप नुमाइश कर रहे हैं अपनी नीकी की तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर आपका मकसद ये है कि दूसरों को नीचा दिखाना या कंपटीशन करना कि देख मैंने तो 100 नफिल पढ़े इस हफ्ते में, देख मैंने तो आधा कुरान खत्म कर लिया और उसे व्हाट्सएप पर डाल लें, तो दूसरा दलील समझेगा अपने आप को और अकीर समझेगा, ये ठीक नहीं है, उसके हालात उसके साथ हैं। क्योंकि एक बार एक साहबी को उन्होंने फरमाया जब उसने पूछा कि मेरे ऊपर क्या क्या फ़र्ज है, वो तेरे ऊपर 5 नमाजें फ़र्ज, जो फ़र्ज नमाजें हैं और 30 रोज़े फ़र्ज हैं, पैसे हो तो ज़कात देते, पैसे तो है उसने हुज़ूर, बाकी नफिल के बारे में तेरी अपनी मर्ज़ी। उसने कहा हुज़ूर बस मैं इससे ज़्यादा नहीं करूँगा, इससे कम भी नहीं करूँगा। जब उठ के चला तो जो साहब वहाँ बैठे थे कि जिसे जन्नत ही देखना हो जाना, तो इसलिए नफिल इबादत जो है वो अगर आप शो कर रहे हैं तो उसमें शैतान कभी भी आपको बैठा सकता है, मेरे नज़दीक कोई नहीं। जैसे इनका सवाल है कि जो लोग हाजी लिखते हैं बाद में आने के बाद, क्या उनका हाजी लिखना ठीक है? भाई तरह की नमाजी जो लोग होते हैं उन्हें भी नमाजी कहना चाहिए, ये अल्लाह ने तो कोई लकब इस तरह का नहीं दिया, लेकिन दुनिया में क्योंकि शोबाजी बहुत ज़्यादा है, वो जाते ही गजरे डाल के पूरी पूरी बसें हैं और आगे भी पूरी पूरी बसों के साथ रहते हैं और वो अपने नाम के साथ खुद ही हाजी लिखे। देखो अगर लोग आपको हाजी कहने लगे कोई नहीं, लेकिन आप खुद से ना कुछ होकर हज तो आपको पता ही नहीं है, वो तो एक मोमा है, बंद है लिखा हुआ कि कबूल हुआ नहीं हुआ, नोट तो जब नोट है ना, जब बैंक वाले कबूल कर ले वरना रद्दी का टुकड़ा है। हज तो जब है, जब अल्लाह के यहाँ रजिस्टर में लिखा जाएगा भाई ये हाजी है, वरना आपका हज बेकार, आपका सफर बेकार। ये भी उन्होंने फरमाया इस बात को कि आखिरी ज़माने में लोग हज को पिकनिक की तरह करेंगे, तफरी की तरह, क्या पता अल्लाह ने आपके हज जो है वो तफरी में लिख दिया हो, हज हो ही ना आपका। इनका सवाल ये है कि मैंने किसी लंगर का खाना खाया है गुरुद्वारे में, क्या लंगर का खाना जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है भाई। आप ये देखो कि जिस मोहब्बत से उन्होंने खाना खिलाया ना, आपने पूरी वीडियो नहीं देखी होगी शायद, आप यकीन करें हमारे यहाँ ऐसा अखलाक नहीं है। जिस मोहब्बत से उन्होंने खाना खिलाया ना, खुद खड़े हो गए जो वहाँ के मेन लोग थे, हाँ, तो मैंने उन्हीं से मतलब है तो ये
नबियों की सुन्नत खाना खिलाना, बुजुर्गों की सुन्नत, लेकिन अखलाक मैंने उन्हीं से लिया कि मैं खुद खड़ा हो जाता हूँ इसीलिए यहाँ जब हमारा खाना चलता है, ये मेहमान नवाजी में आता है। तो बिल्कुल खाना खाने में कोई अरज नहीं है, जिस तरह से आप मेहमान नवाजी में किसी के यहाँ जाते हैं, किसी हिंदू के यहाँ, वो आपको चाय पिलाता है या सोडा पिलाता है या कोई और चीज़ खाने की देता है, आप खाते हो नहीं खाते हो, बिल्कुल वो मेहमान नवाजी के तौर पर उन्होंने हमें लंगर खिलाया। और यहाँ भी हम मेहमान नवाजी करते हैं, मैं ये माइक पे शायद पहले ही बता चुका, आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इस मरकज में एक पैसा तकरार कर नहीं लिया, जो मेरे भाइयों की और मेरे बच्चों की पाक कमाई है, मेहनत की, वो लगता है, कोई डोनेशन किसी का नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, ना कोई ज़कात का पैसा अपना लगता है, क्योंकि मैं खुद इसीलिए आप लोगों के साथ बैठता हूँ कि आपका जहन खुल जाए, क्योंकि कोई अपनी ज़कात खुद नहीं खा सकता, ये मुझे वजहत इसलिए करनी पड़े, हालांकि मेरे साथियों को सबको पता है, क्योंकि नए नए लोग भी जुड़ते रहते हैं, तो इसलिए बेफिक्र हो गए, हमारा एक दस्तरखान सबका है, आप किसी को भी ला सकते हो, आप यहाँ मेज़बान हो, मेहमान नहीं हो, आप अपने साथ मेहमानों को ला सकते हो, पूरी खुली इजाज़त है। जब हम भीड़ बढ़ती हुई देखेंगे, हम दस देखो दरवाजे करेंगे इन शाह अगर अल्लाह ने हाजिर और इनका सवाल यह है, अजान के वक्त कानों में उंगली क्यों डालते हैं और दाई तरफ बाई तरफ हैया मुड़ के क्यों कहते हैं? भाई कानों में उंगली इसलिए क्योंकि उस टाइम लाउडस्पीकर नहीं थे और कानों में उंगली डालने से आवाज दूर तक जाती थी, इस वजह से जो है वो कानों में उंगली डाली जाती थी। उन्हीं साहबा की सुन्नत को साहब आज गुरुगान ने जारी रखा हुआ है, हालांकि अब कानों में उंगली डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि वो हमारे बड़े थे, बुजुर्ग थे, वो जो हरकतें कर गए उनकी हरकतें करने से शायद अल्लाह के पसंदीदा बंदे हम बन जाए। दूसरा सवाल आपका, इधर उधर भैया क्यों कहा जाता है? वो इसी वजह से कि दूर तक आवाज जाए, मान लो सीधे तो आपने अजान सुनी थी और आओ फला की तरफ, आओ सलाद की तरफ, ये चारों तरफ मतलब फैल जाए अजान की, एक मना दी है अजान कि आप बुला रहे हैं लोगों के आओ नमाज की तरफ, आओ फला की तरफ, इसलिए इधर उधर घूमा जाता है। हाँ जी, कहा जाता है कि मरने के बाद कब्र के अंदर जन्नत की गिफ्ट जो अच्छा होता है उसके लिए जन्नत की गिफ्ट बोल दी जाती है, बुरा होता है उसकी जान, और ये भी कहा जाता है कि मरने के बाद मौत के बाद नीन और सिक्कीन इकट्ठी हो गई है, तो मौत के बाद कौन क्या कॉन्सेप्ट? बड़ा अच्छा सवाल है भाई इनका, कब्र का जो मामला है उसमें कहते हैं कि हिसाब किताब के बाद, ये भी हदीस है कि यह तो कब्र जो है वो दोजख के गढ़ों में से एक गढ़ा है, जन्नत की बागों में से एक बाग है, खिड़की खोल दी जाती है, सब हदीसें हैं ये, आप यूँ समझो कि हमारी डेथ के बाद जो कब्र का पीरियड शुरू होता है ना उसे ही आलम बरज़ख कहलाता है, वही उसी में लीन और सिज्जीन आता है। ये तो आपको मिट्टी का एक ढेर जो दिख रहा है यहाँ, ये कब्र नहीं है असल, असल कब्र आपकी आलम बरज़ख है, जो आड़ की ज़िंदगी आपकी शुरू होती है, उसी में आपको जो सिज्जीन और लीन कुरान बयान करता है कि बुरी रूहें और अच्छी रूहें, वही कॉन्सेप्ट है कि जो बुरी रूहें हैं उन्हें दोज़ख की तपिश आनी शुरू हो जाती है और जो अच्छी रूहें हैं उन्हें जन्नत के बागों की खुशबू और हवाएं आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये खबर, इस खबर को आप खबर ना समझो, बल्कि जो लीन और सिज्जीन है वो खबर का हिस्सा है। हाँ जी, तलाक अल्लाह को नापसंद है तो हलाल क्यों है? तलाक, इनका सवाल यह है कि तलाक जब अल्लाह को नापसंद है तो हलाल क्यों है? भाई इसीलिए अल्लाह ने हलाल रखी नापसंदीदा होने के बावजूद भी, कि मान लो कोई मर्द फंस जाए, किसी कोई लड़की कोई दिखा दी जाए, उसे कोई दूसरी दे दी जाए तो वो उसे तलाक दे, मान लो किसी औरत को बच्चे ना हो रहे हों तो वो उसे तलाक दे सकता है, अगर वो नहीं मानती दूसरी शादी को, एक्सेप्ट नहीं करती उसकी। इसी तरह से मान लो बद दिमाग हो, बद चलन हो औरत तो वो छोड़ सके, इसी तरह औरतों का भी मामला है कि औरत जो है अगर किसी नामर्द के यहाँ फंस जाए तो वो तलाक ले सके, खुला ले सके, दबाव डाल के तलाक ली जा सकती है। इसी तरह से उसे अपना जो मर्द है वो कमाऊ ना हो, मारपीट करता हो, जुल्म करता हो, तो सारी उम्र वो औरत उसके नीचे ना फंसी रहे, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नापसंदीदा होने के बावजूद तलाक को हलाल रखा। हालांकि अल्लाह को पसंद नहीं है, पसंद इसीलिए नहीं है कि लोग इसका मिसयूज करते हैं, अल्लाह को पता था मिसयूज करेंगे, इसलिए पसंद नहीं है, वरना हलाल है। क्या माँ बाप के कहने पर तलाक दे सकते हैं? इनका सवाल है क्या माँ बाप के कहने पर तलाक दे सकते हैं? भाई मेरे नज़दीक तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अगर आपकी बीवी बदचलन है या वो आपका कहना नहीं मानती जो आप उसे रोकते हो बुराई से, तो आप कुरान ये कहता है कि अगर ये बेहयाई करें तो इनके बिस्तर अलग कर दो। उसके बाद ये कहा कि एक मर्द में से कोई इंसाफ वाला और एक कोई औरतों में से इंसाफ वाला बैठे,
लड़का लड़की वालों में तब भी सुलह कराने की कोशिश करेंगे, उसके बाद का तब भी ना हम बात बने तो फिर हल्की फुल्की मार दे सकते हो, मतलब मार भी ऐसी जैसे कान पकड़ के बच्चों को हम भी करते हैं, ये नहीं कि आप चेहरे पे मारो या उसके गधे घोड़ों की तरह उसके निशान डाल दो जिसम में उसके जानवरों की तरह मारो। आखिर में कहा कि अगर फिर भी बात नहीं बनती तो सेपरेशन, एकदम तलाक माँ बाप के कहने पर देना मेरे नज़दीक तो बिल्कुल गुनाह की बात होगी, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने वैसे तो माँ बाप के हक बयान किए अपने हक के बाद पाँच जगह, लेकिन एक जगह ये भी कहा कि अगर ये मेरे शरीयत के मामले में कहीं तुम्हें हुक्म दें तो वहाँ तुमने इनकी नहीं माननी, तो आपने अल्लाह और रसूल के नाम पे जिस औरत को अपने ये हलाल किया है आप अपने माँ बाप कहने को तलाक दे रहे हैं। मिसाल दी जाती है इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कि उन्होंने इस्माइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दे दिया था कि अपनी बीवी को तलाक दे दे, भाई वो नबी थे, नबियों की तरबियत होती थी, अल्लाह के इशारे आते थे नबियों को वही के जरिए, उन्हें अल्लाह ने समझाया होगा कि औरत ठीक नहीं है घराने के लिए, या कि नबी होने वाला है, इससे नस्लें जमने वाली हैं नबियों की, तो तब वो ये बात करके गए थे वहाँ दरवाजे में, तो उनकी मिसाल किस तरह आम आदमी ले लेगा। इसलिए मेरे नज़दीक अगर आपको लगता है कि आपकी बीवी वाकई बच चलाना काम नहीं चलेगा तो आप अपने सेंस के हिसाब से तलाक दो, माँ बाप के कहने पर आपने तलाक नहीं देना, क्योंकि एक हदीस भी खड़ी है हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह की इताअत के आगे किसी मखलूक की इताअत आपने नहीं करनी। आप इनका सवाल यह है कि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी थी हाजरा अलैहिस्सलाम, उन्हें अलैहिस्सलाम क्यों कहा जाता है? भाई ये एक लकब है इज्जत देने का, आप मतलब नबियों के साथ जुड़ा हुआ था और नबियों की बीवियाँ जो हैं कुरान में सारा अलैहिस्सलाम को अहले बैत कहा जाता है, तो जो भी अहले बैत या अल्लाह की नज़र में नबियों की बीवियाँ हैं उनके इज्जत का नाम लेना आपके लिए मतलब वाजिब है आपके लिए। आप कुछ पूछे उनका सवाल यह है बसों में मिठाई मिठाई बांटते हैं लोग, क्या वो भी खा सकते हैं? बिल्कुल, अगर उसमें कोई आपको देखो अगर उन्होंने कोई मूर्ति साथ में ली हुई है वो प्रसाद दे रहे हैं आपको, वो तो आपके लिए हराम है, लेकिन अगर किसी के बेटा हुआ या कोई और खुशी का मामला है और वो मिठाई खिला रहे हैं आपको बिल्कुल आपके लिए जाएगी, वो प्रसाद है भाई, मैं समझ गया आपको, वो हराम है आपको, हाँ वो हराम है आपके लिए हराम है। इनका सवाल ये अल्लाह के नाम पर खा देंगे, गैर अल्लाह के नाम का नहीं खा सकते, कोई मैं इन्हें जवाब दे रहा हूँ कि अगर वो किसी मूर्ति के आगे ला के पूरी मिठाई और उसे घुमा के बत्ती करके फिर इनके आगे ला रहे हैं तो वो हराम है इनके लिए, क्योंकि वो गैर अल्लाह का नाम लिया गया उसका। इनका सवाल यह है दुरूद इब्राहिम जो हम नमाज में पढ़ते हैं क्या वो पढ़ लेने से सलाम का हक अदा होगा, क्योंकि कुरान में सूरह अहज़ाब आयत 56 में अल्लाह ने कहा कि लोगों अल्लाह उसके रसूल अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पे दुरूद भेजते हैं सलाम भेजते हैं, तुम भी दुरूद और सलाम भेजो, तो उसमें सलाम का हुक्म है, क्या वो सलाम का हक अदा हो जाएगा? बिल्कुल नहीं अदा होगा, हालांकि दुरूद इब्राहिम ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बसाया हुआ है, लेकिन नमाज में पढ़ना है सलाम का जो हुक्म है पढ़ने का वो कुरान का हुक्म है। तभी मैं आप लोगों को कहता हूँ कि यहाँ जो हम पाँच मिनट में पढ़ता हूँ, अक्सर आपने देखा होगा कि आप लोग आगे बैठ जाते हो, मैं पढ़ता रहता हूँ हफ्ते में एक दिन कम से कम ये 5-10 मिनट सलाम ज़रूर पढ़ा करो नबी पे, और नबी का ही बताया सलाम अत्तयात में जो आप अय्यूह नबी अस्सलाम अलैका अय्यूह नबी कहते हो वो सलाम ही पढ़ना है, तो सलाम अलैका अय्यूह नबी ज़रूर पढ़ा करो दिन में 10-5 दफ़ा या एक आध तस्वीर, वो सलाम का हुक्म पूरा होगा जो कुरान में अल्लाह ने दिया, और कम से कम अगर आपको दिनों में याद नहीं रहता तो यहाँ आप ज़रूर बैठा करो 5-10 मिनट वो के हम सलाम पढ़ रहे हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ जी, गुनाह की नियत हो और गुनाह करने का मौका ना मिला हो या गुनाह ना किया हो तो क्या इस पर जो है मतलब अज़ाब होगा, गुनाह लिखा जाएगा? इनका सवाल ये है गुनाह की नियत हो गुनाह करने का मौका ना मिला हो तो क्या इस पर पकड़ होगी? देखो जी, नबी ने फरमाया कि इस उम्मत की खुसूसियत में बात है कि इनके वसवसों पर पकड़नी है, इनकी सोच पर पकड़नी है जब तक ये अमल ना करें, क्योंकि जो हमारे फरिश्ते बैठे हैं ना ये नियत नहीं देख रहे, ये अमल देख रहे हैं, अमल लिख लेते हैं, अगर उसे मौका नहीं भी मिला तो अल्लाह ने नहीं चाहा कि इसे ये बुरा काम करे, तो अल्लाह ने हिफाजत करी। अब मेरे साथ मैं ईमान से कह रहा हूँ आपको ऐसे ऐसे वाक्य एक नहीं हुआ कई हुए,
जवानी के दिनों में मतलब ऐसी मेरी हिफाजत की है अल्लाह ने कि अगर मैं आपको बता दूँ आपके रोंगटे खड़े हो, मतलब इस तरह से अल्लाह ने मेरी बात। आगे आप बताओ पीछे इनका सवाल बड़ा अच्छा है। ये कहते हैं कि अंबिया मासूम हैं, इनके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। असल में जब वही उतरी ना, उस टाइम वही जो उतरी वो जिंदा नबियों को उतरी, उस टाइम जिंदगी उनकी थी और आगे भी उनके पास साल दो साल दिन दो दिन या हफ्ता दो हफ्ता थे। तो अल्लाह ने कहा कि जो पीछे गुनाह कर चुके गलती से इनसे कोई भी मामला हुआ हो, लड़की हुई हो अल्लाह की किसी भी हक में, तो वो इनकी नेकियों की वजह से माफ कर देंगे। और अगर ये जिंदगी में आगे भी इनसे कोई लड़की होनी होगी, मैंने वो भी माफ कर दिया। देखो आप ये देखो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आसमानों में है, उसे हमारा फ्यूचर जो आज हम जिंदा है वो भी दिख रहा, फ्यूचर भी दिख रहा, आने वाला कल भी और पिछला कल भी। जब अल्लाह माफ करता है ना किसी को, तो तीनों उसकी जिंदगी देख के माफ करता है। इसने पीछे क्या किया, आज क्या कर रहा, आगे जो कुरान में सहाबा इकराम के बारे में आया ना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मैं इनसे राजी हुआ, तो अल्लाह उनकी सारी जिंदगी देख के राजी हुआ। हालांकि वो तो जिंदा थे, जिहाद कर रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लम के साथ जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन कहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मैं इनसे हमेशा के लिए राजी हुआ। उनकी पिछली जिंदगी देख के, आज की जिंदगी देख के और आगे का फ्यूचर भी देख के, हालांकि बाद में जंगे भी हुई, आपस में भी लड़े सहाबा, लेकिन तमाम गुनाह उनके अल्लाह ने माफ कर दिए, उनकी नहीं हुई। क्या इस्लाम में उंगलियां चाटना मना है? इनका सवाल यह, क्या इस्लाम में उंगलियां चाटना मना है? भाई इस्लाम में उंगली चाटना सुन्नत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई इस बात और ये कहा कि मतलब हाजमे के लिए बहुत बढ़िया है, ये मेडिकल साइंस से भी साबित है। इनका सवाल यह, क्या पांच नमाजें रात में इकट्ठी एक साथ अदा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते भाई। आप तीन वक्त में तो अदा कर सकते हो, क्या आप फजीर पढ़ के गए और आप बहुत ज़्यादा बिजी हो या आपकी ड्यूटी ऐसी है कि आप नहीं पढ़ सकते, तो जोर में जब आपको टाइम मिला खाने का तो उसमें आपने चार फर्ज जोर और चार असर मिला के पढ़ दिए। इसी तरह जब आप घर आए ईशा में सारा काम आप निपटा के, तो आते ही सबसे पहले आपने तीन मगरिब के और चार फर्ज ईशा के और फिर बाकी मित्र वगैरह, ये अगर आप पढ़ देंगे तो आपकी नमाजें टाइम पर होंगी। क्योंकि नबी ने मदीने में बिना किसी उजर के मिला के नमाजें पढ़ी हैं, जोर और असर पूरा टाइम एक कर दिया, असर से जोर तक का। इसी तरह मगरिब और ईशा, अगर आप बिल्कुल मगरिब से थोड़ा पहले भी 20-25 मिनट पहले भी असर और जोर मिला के पढ़ देंगे तो आपकी नमाज कज़ा नहीं हुई, अदा हुई। या आप चाहे बुखारी मुस्लिम में तले ऊपर 10 हदीसें हैं इससे मुतालिक। जब पूछा गया सहाबा से कि हुज़ूर ने ऐसा क्यों किया, जमा क्यों कराई नमाज सहाबा इकराम को, तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से शायद मरवी है मामला कि जब उनसे पूछा गया कि हुज़ूर ने इस तरह मदीने में बिना किसी उधर यानी बारिश या कोई बीमारी या कोई सफ़र उसके बिना नमाजें मिला के क्यों पढ़वाई, कि उम्मत की आसानी के लिए। तो कभी ऐसा कोई मौका से तो कुरान हुक्म देता है सूरह निसा आयत नंबर 102 कि मोमिनों तुम्हारे ऊपर मुकर्रर वक्त पर नमाज पढ़ दें, लेकिन वक्त किसने बताया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो वैसे तो पाँच वक्त पढ़नी चाहिए अपने, लेकिन किसी की ऐसी मजबूरी हो, कोई डॉक्टर है ऑपरेशन कर रहा, किसी की बड़ी कंपनी है, किसी की ऐसी फैक्ट्री है कि वो छोड़ नहीं सकता, तो मिला के जोर और असर मगरिब और ईशा पढ़ सकता है, लेकिन पांच नमाजें एक साथ पढ़ना ये तो बिल्कुल ही दीन की मजाक उड़ाने वाली बात।